नमस्कार दोस्तों आज मैं कोई रेसिपी लेकर के नहीं आई हूँ आज मैं बात करूँगी कविताओं की कविताओं की बात आती है तो हमारे मन में बहुत से विचार आते जाते रहते हैं जिसे हम झटक देते हैं और कभी भी उसे लिखने या कागज़ पर उसे उकेरने की एक समय ही नहीं मिल पाता है शायद इसीलिए हम लोग नहीं कर पाते हैं पर आज मैं एक ऐसी ही कवि की बात करूंगी जो एक वरिष्ठ पद पर कार्य करते हुए बहुत अच्छे से अपनी भावनाओं को संजो कर रखा था और सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने इस कविता संग्रह को प्रकाशित किया जिसे बहुत ही सराहा गया तो मैं आज वही कविता संग्रह आपके ले के, आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आप इसे ज़रूर पढ़ें एक बार मैं लिंक बुक मंगाने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और ये बुक है स्पंदन स्पंदन का सीधा संपर्क हमारे हृदय से होता है और इन्होंने इसे बहुत ही अच्छे से व्यक्त किया है चाहे वो समाज के प्रति हो देश के प्रति हो जब देश रोया है इनका दिल रोया है जब समाज में इस तरह की कुछ गलतियां हुई हैं उस समय इनके दिल रोया है अपने परिवार के प्रति अपने सभी कुटुंबों के प्रति बहुत ही संवेदनशील कविताएं इन्होंने लिखी है और इनका प्यार बड़ों के लिए श्रद्धा छोटों के लिए प्यार स्नेह समाज के लिए दायित्व तो कर्तव्य सब कुछ झलकता है तो आप इस बुक को जरूर पढ़ें इस कविता संग्रह को ज़रूर पढ़ें और मुझे लिखें कि आपको कैसा लगा लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रही हूँ आप जरूरी से मंगाएं और पढ़ें अपनी मिट्टी से जुड़े रहें अपनी भावनाओं को पढ़कर उजागर करें अपनी मिट्टी अपने देश अपनी भाषा से प्यार करें और स्पंदन आप सभी लोगों को इसमें बहुत ही सहायता करेगा मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स